हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन नंबर 6, द हैप्पी प्रिंस फ्रॉम क्लास 4th फ्रॉम द रेनड्रॉप्स इंग्लिश रीडर। एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस मीन एक प्रिंस जो हमेशा हैप्पी रहता है। टू लेट्स स्टार्ट द लेसन। ऑस्कर वाइल्ड, ए फेमस आयरिश पोएट एंड प्ले राइट ऑफ द 19th सेंचुरी, रोट ए कलेक्शन ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन इन 1888। Read this touching story about an unusual pair of very kind souls. Oscar Wilde एक famous Irish poet हैं और प्ले राइटर हैं 19th सेंचुरी के, जो कि चिल्ड्रन के लिए जिन्होंने 1888 में काफ़ी स्टोरीज लिखी। तो रीड दिस टचिंग स्टोरी, आज इस टचिंग स्टोरी को पढ़ते हैं, जो कि एक अनयूजुअल पेयर के बारे में है। काइंड सोल्स, अनयूजुअल पेयर मतलब कि काइंड सोल्स का एक अनयूजुअल पेयर है, यानी कि दो काइंड सोल, पेयर मतलब दो, यानी कि दो काइंड पर्सनस हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से दो काइंड पर्सन हैं। सेक्शन 1, दे वर वंस ए प्रिंस हु हैड एवरीथिंग ही वांटेड, सो ही वाज नेवर सैड। एक बार एक प्रिंस था जिसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था, तो वो कभी भी सैड नहीं होता था। हिज पीपल कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, उसके जो लोग थे उसे एक हैप्पी प्रिंस कहते थे। When the happy prince died, his people had a statue made of him. जब happy prince जो है वो मर गया, जब happy prince की death हो गई, जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके people ने उसकी एक statue, यानी कि एक मूर्ति बना दी। The statue was made of lead covered in gold. जो statue थी वो lead से बनी हुई थी, जो कि gold से cover थी, यानी कि gold color की थी। Eyes were made of blue gems. जो उसकी eyes थी वो blue gems से बनी हुई थी। एंड इन हिज स्वॉर्ड वॉज ए बिग रेड जैम, और उसकी तलवार में एक बिग रेड जैम लगा हुआ था, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। द स्टैचू वॉज पुट अप ऑन टॉप ऑफ ए टॉल पिलर इन द मिडल ऑफ द टाउन, और जो स्टैचू थी वो एक टॉल पिलर, एक बड़े खंभे के ऊपर लगी हुई थी। टाउन, टाउन यानी कि कस्बे के बीच में, यानी कि सिटी के बीचों बीच वो स्टैचू जो है एक बड़े खंभे के ऊपर बनाई गई थी। In that country, the winters were very cold. उस कंट्री में जो विंटर्स थी वो बहुत कोल्ड होती थी। So every autumn the swallows flew away to a warmer place. हर ऑटम के मौसम में swallows जो बर्ड होती थी वो उड़ के चली जाती थी warmer place पे, गर्म प्लेस पे। That year one little swallow was late. और उस ईयर जो लिटिल स्वेलो थी वो लेट हो गई थी जाने में, वार्मर प्लेस पर जाने में वो लेट हो गई थी। द नाइट ही केम टू टाउन, और जब नाइट को वो टाउन में आई, ही लैंडेड ऑन टॉप ऑफ द टॉल पिलर, वो बर्ड जो थी वो टॉल पिलर के ऊपर लैंड करती है, राइट बिटवीन द फीट ऑफ द प्रिंस, सही जो प्रिंस के फीट के पास। द लिटिल स्वेलो वॉज जस्ट सेटलिंग डाउन टू स्लीप व्हेन ही फेल्ट ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जब लिटिल स्वेलो जो है वो सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके ऊपर जो है पानी की ड्रॉप गिरी। ही लुक्ड अप टू सी टीयर्स फॉलिंग फ्रॉम द प्रिंसेस आईज, उसने देखा कि प्रिंस की आईज से आंसू गिर रहे हैं। व्हाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द स्वेलो, आप क्यों रो रहे हैं, स्वेलो ने पूछा। बिकॉज ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स आई कैन सी फ्रॉम हेयर, उन सभी अनहैप्पी थिंग्स को देख कर जो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, सेड द हैप्पी प्रिंस, प्रिंस ने कहा। व्हाट कैन यू सी, तुम क्या देख सकते हो, आस्क्ड द स्वेलो, स्वेलो ने पूछा। फार अवे इन ए स्मॉल टाउन लिव्स ए पुअर वूमेन, बहुत दूर एक छोटे से कमरे में एक पुअर वूमेन है, सेड द प्रिंस, और उस प्रिंस ने कहा। हर लिटिल बॉय लाइज इल इन बेड, बट हिज मदर हैज नो मनी फॉर मेडिसिंस, उसका जो छोटा बेटा है वो बीमार हो गया है, लेकिन उसकी मदर के पास कोई पैसे नहीं है मेडिसिंस खरीदने के लिए। ही विल श्योरली डाई, वह ऐसे मर जाएगा। लिटिल स्वेलो, विल यू टेक हर द रेड जैम फ्रॉम माय स्वॉर्ड, इट कैन सेव हर सन्स लाइफ, क्या तुम मेरी तलवार में से रेड जैम ले जा सकते हो, इससे क्या है सन्स की लाइफ जो है बच जाएगी। सो द स्वेलो पैक्ड आउट द जैम एंड फ्लू ऑफ विद इट टू द वुमेन हाउस, तो स्वेलो जो बर्ड है वो जैम जो है वो निकाल लेती है और उड़ जाती है वुमेन हाउस की तरफ। द बॉय वॉज टॉजिंग अबाउट इन हिज बेड, जो बॉय था वो बेड पे टॉजिंग कर रहा था, टॉजिंग मतलब वो इधर उधर मूव कर रहा था क्योंकि उसे रेस्ट नहीं मिल रहा था। बट हिज मदर वॉज सो टायर्ड, लेकिन उसकी मदर जो है वो बहुत टायर्ड थी। शी हैड फॉलन असलीप विद हर हेड ऑन द टेबल, वह जो है टेबल पे अपना सिर रख कर सो रही थी। द स्वेलो पुट द रेड जैम बिसाइड हर,
स्वेलो जो थी उसने रेड जैम जो है उसके साथ में रख दिया। देन ही फ्लू बैक टू टेल द हैप्पी प्रिंस, और फिर वो दोबारा उड़ गई हैप्पी प्रिंस को बताने। इट्स फनी ही सेड, बट आई डोंट फील कोल्ड एनी मोर, ये फनी है लेकिन अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। दैट्स बिकॉज यू डिड ए गुड डीड, वो इसलिए क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। All the same, the swallow still wanted to fly away to the warm land where his brother and sister had gone. Swallow जो है वो अभी भी warm land पे जाना चाहती थी, अपने brother sister के पास जहाँ वो सब गए थे। So that night he said to the prince, उस रात को उसने prince को कहा, Good bye, I'm off now. Good bye, मैं अब जा रही हूँ। Section 2, little swallow replied the prince. प्रिंस ने रिप्लाई किया, लिटिल स्वेलो डोंट गो येट, अभी मत जाओ, आई कैन सी ए यंग मैन इन ए बेयर रूम वेयर देयर इज़ नो फायर, मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ एक रूम में जहाँ पर कोई फायर नहीं है। ही इज़ ट्राइंग टू राइट बट हिज हैंड इज़ टू कोल्ड टू होल्ड द पेन, वो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं पेन को पकड़ने के लिए। And he has nothing to eat, और उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। Take one of my eyes, मेरी एक आइस ले लो, they are made of blue gems, वो ब्लू जैम से बनी हुई हैं, but I cannot do that, लेकिन मैं नहीं कर सकता, cried the swallow, swallow ने कहा। Please do as I ask, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, begged the prince, prince ने उससे request किया। So the swallow packed out one of the gems from the statue's eyes and flew with it टू द यंग मैन, तो स्वेलो ने एक जैम शो है उसके आई से निकाल ली और वो यंग मैन की तरफ उड़ गई। ही ड्रॉप द जैम इन टू ए बंच ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, उसने जैम को टेबल पर फ्लावर के बंच के बीच में छोड़ दिया। वेन द यंग मैन सा इट, जब यंग मैन ने उसे देखा, ही वॉज सो प्लीज दैट ही फॉरगॉट ही वॉज हंग्री एंड वेंट ऑन विद हिज वर्क, जब यंग मैन ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हो गया और वो भूल गया कि वो हंगरी है और उसने अपना काम करना शुरू किया। नाउ आई कैन पे माई रेंट एंड बाई सम फूड, ही सेड, अब मैं अपना रेंट भी पे कर सकता हूँ और कुछ खाना भी खरीद सकता हूँ। बैक फ्लू द स्वेलो टू टेल द प्रिंस द गुड न्यूज़, अब स्वेलो जो है वो वापस प्रिंस के पास गया कुछ अच्छी न्यूज़ देने। एंड नाउ गुड बाय, ही एडिड, अब उसने कहा कि गुड बाय, उसने कहा। Don't go yet, pleaded the prince. अभी मत जाओ, प्रिंस ने कहा। Look down there, नीचे देखो। Do you see that little girl? क्या तुम उस little girl को देख सकते हो? She was trying to sell matches, but her hands were so cold that she dropped them in the wet and now they are of no use. तुम इस little girl को देख सकते हो, वो matchbox जो है उसके हाथ में है और ठंड के कारण उससे वो नीचे गिर गए पानी में और अब वो गीले हो गए हैं, ठंड के कारण उससे वो नीचे गिर गए, अब वो गीले हो गए हैं और अब वो किसी काम के नहीं रहे। हर फादर विल स्कोल्ड हर व्हेन शी गेट्स होम, उसके पापा जो हैं उसे डांटेंगे अगर वो घर जाएगी। यू मस्ट पैक आउट द जैम फ्रॉम माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर, तुम्हें मेरी आँख से दूसरा जैम जो है निकाल लेना चाहिए और उसे देना चाहिए। बट इफ़ आई डू डैट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एट ऑल, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम देख नहीं पाओगे, क्राइड द स्वेलो, स्वेलो जो है वो रोने लगी। यू विल बी ब्लाइंड, तुम ब्लाइंड हो जाओगे। प्लीज़ डू एज आई से, प्लीज़ वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, बैग द प्रिंस, प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया। सो द स्वेलो टुक द ब्लू जैम एंड ड्रॉप इट इन द लिटिल गर्ल्स हैंड, तो स्वेलो ने जो ब्लू जैम्स निकाला वो लिटिल गर्ल्स की हैंड में ड्रॉप कर दिया। हाउ प्रीटी, कितना प्रीटी है, शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ इट, उसने स्माइल किया जब उसने देखा। एंड शी रैन ऑफ होम टू गिव इट टू हर फादर, और वो घर की तरफ भागी अपने फादर को देने के लिए। वंस मोर द स्वेलो फ्लू बैक टू द प्रिंस, एक बार फिर स्वेलो प्रिंस के पास उड़ के वापस गई। आई कैन नॉट लीव यू नाउ दैट यू आर ब्लाइंड, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ के जा सकती क्योंकि अब तुम ब्लाइंड हो। I will stay with you and you can use my eyes to see. मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरी आँख से देख सकते हो। Section 3. The prince wanted the swallow to fly over the town and tell him what he saw. Prince चाहता था कि swallow जो है वो town में उड़कर जाए और उसे बताए कि उसने क्या देखा। One day the swallow saw two little boys sitting under a bridge trying to keep each other warm.
एक दिन स्वेलो ने देखा कि दो छोटे बॉय जो हैं ब्रिज के नीचे बिल्कुल एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को वार्म करने के लिए, एक दूसरे को गर्म करने के लिए बिल्कुल साथ में बैठे हैं। अलोंग केम ए पुलिस मैन एंड टोल्ड देम टू गो होम। वहाँ एक पुलिस मैन आता है और उन्हें कहता है घर जाने के लिए। ही डिड नॉट नो व्हाट दे हैड नो होम टू गो टू। उसे नहीं पता था कि उनके पास घर नहीं है जाने के लिए। दे जस्ट गोट ऑफ एंड वेंट आउट हैंड इन हैंड इनटू द रेन। वो खड़े होते हैं और हाथ में हाथ डाल के रेन में चलने लगते हैं। When he heard this, the prince was very sad. ये सुनने के बाद प्रिंस बहुत सैड हो गया। I have no gems left, he said, but my clothes are made of gold. मेरे पास कोई जेम्स नहीं बचा है लेकिन मेरे क्लोथ्स जो हैं गोल्ड के बने हैं। You must pack off a bit and give it to those poor children. तुम्हें उन्हें थोड़ा निकालना चाहिए और पुअर चिल्ड्रन को देना चाहिए। एवरी डे द स्वेलो सॉ समवन हु नीडेड हेल्प एंड बिफोर लॉन्ग। हर दिन स्वेलो जो है वो किसी नीडी को देखता था हेल्प के लिए। एंड बिफोर लॉन्ग ऑल द गोल्ड ऑन द प्रिंस हैड बीन गिवन अवे। और थोड़े ही समय में उनको हेल्प करने के लिए उसने प्रिंस के पास से गोल्ड निकाल लिया। ही स्टूड ऑन टॉप ऑफ हिज पिलर लुकिंग डल एंड ग्रे। अब वो पिलर पे खड़ा हुआ बहुत ही डल और ग्रे लग रहा था। बट द फेसिस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन वर नो लॉन्गर वाइट, देयर चीक्स वर रेड एंड देयर थिन आर्म्स एंड लेग्स ग्रू नाइस एंड राउंड। लेकिन जो पुअर चिल्ड्रन के फेसेस जो थे अब वो वाइट नहीं दिख रहे थे, उनके चीक्स रेड हो गए थे और अब उनके थिन आर्म्स और जो लेग्स हैं वो अच्छी हो गई थी और राउंड हो गई थी। दे नो लॉन्गर हैड टू बैग फॉर ब्रेड। अब उन्हें ब्रेड के लिए बैग करने के लिए भीख मांगने के लिए ज़रूरत नहीं थी। देन द स्नो केम। फिर स्नो आ गई। द पुअर लिटिल स्वेलो गॉट कोल्डर। जो पुअर लिटिल स्वेलो है वो कोल्ड हो गई एंड कोल्डर और उसे और भी ज़्यादा ठंड लग गई। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन उसने प्रिंस को नहीं छोड़ा। एट लास्ट ही न्यू डैट हिज एंड हैड कम। एट लास्ट उसे पता चल गया कि उसका अंत आ गया है। गुड बाय डियर प्रिंस, गुड बाय डियर प्रिंस, ही विस्पर्ड एज ही फेल एट द स्टैचू फीट। उसने विस्पर किया जब वो स्टैचू के फीट में लास्ट टाइम गिर गई। गुड बाय रिप्लाइड द प्रिंस। गुड बाय प्रिंस ने भी रिप्लाई किया। एंड समथिंग ब्रॉक इनसाइड हिम। और कुछ उसके अंदर टूट गया। इट वॉज इज हार्ट। वो उसका हार्ट था। द नेक्स्ट डे द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर पास्ड बाय द पिलर एंड लुक्ड अप एट द स्टैचू। अगले दिन मेयर और काउंसिलर जो थे उस पिलर के पास से गुजरे और उन्होंने स्टैचू को देखा। डियर मी हाउ शेबी आर प्रिंस लुक। कितना शेबी दिख रहा है हमारा प्रिंस। शेबी मतलब ओल्ड और डर्टी। दे क्राइड, वो रोने लगे। He seems to have lost all his jewels and someone has stolen his gold clothes. ऐसा लगता है कि उसके सारे jewels जो हैं वो खो गए हैं और किसी ने उसका gold चुरा लिया है। And look, there is a dead bird at his feet. उसके feet में एक मरा हुआ bird भी है। You can't have that here. हमें इसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। It must be taken away at once. इसे तुरंत यहाँ से ले जाना चाहिए। We had better take the statue down too. अच्छा है कि हम इस स्टैचू को नीचे उतार दें, said another counselor. Another counselor ने कहा। We will put up a better one in its place. Who shall we put this time? हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए? Mine, of course, said the mayor. मेयर ने कहा मुझे लगाना चाहिए। They took down the princess statue. उन्होंने प्रिंसेस की स्टैचू को नीचे उतारा एंड melted the lead to make the new one. और लीड को मेल्ट कर दिया न्यू वन को बनाने के लिए। बट द वर्कमैन फाउंड ए ब्रोकन हार्ट इनसाइड दैट वुड नॉट मेल्ट। लेकिन वर्कमैन ने देखा कि जो ब्रोकन हार्ट था उसके अंदर वो मेल्ट नहीं हुआ। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द लिटिल डेड स्वेलो वाज लाइंग। तो उन्होंने उसको डस्ट हीप पर फेंक दिया जहाँ पर लिटिल डेड स्वेलो जो है पड़ा हुआ था। दैट नाइट गोल्ड टोल्ड हिज एंजल्स। उस रात गॉड ने अपने एंजल्स को कहा ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन दिस टाउन। मेरे लिए दो प्रीशियस थिंग्स लेके आओ इस टाउन में से। दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड स्वेलो। वह उसके लिए ब्रोकन हार्ट लेके आए और वो डेड स्वेलो लेके आए। एंड गॉड सेड, फिर गॉड ने कहा यू आर राइट, तुम सही हो। दिस लिटिल बर्ड शैल ऑलवेज सिंग इन माय गार्डन ऑफ पैराडाइज। ये जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा मेरे गार्डन में, मेरे गार्डन के पैराडाइज में गाना गाएगा
एंड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज माई नेम फॉर एवर। और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मेरा नाम प्रेज करेगा।